हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। तो बेसिकली आज हम देखेंगे कॉन्स्टेंट के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, पोस्ट भी एसक्यूएल में स्टार्ट करूंगा, तो अभी जो मैं बताऊंगा आपको बिल्कुल ईजी होगा। धीरे धीरे हम ऊंचाइयों पर चढ़ेंगे, देन हार्ड और डिफिकल्ट भी देखेंगे। तो अभी आपको मैं कॉन्स्टेंट बता देता हूँ बेसिकली होता क्या है। अगर हम कॉन्स्टेंट की बात करें तो ये एसक्यूएल में यूज होता है। तो बेसिकली जो कॉन्स्टेंट होते हैं 6 टाइप्स होते हैं और हम उसी का यूज़ करते हैं। तो जो मेनली हमारा फर्स्ट हम जो यूज़ करते हैं वो प्राइमरी कॉन्स्टेंट होता है। अगर हम प्राइमरी कॉन्स्टेंट की बात करें तो ये क्या करता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको सिंपल टर्म में समझाया है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने PDF तैयार किया है बहुत हार्ड वर्क करके। तो यहाँ पे देखो, दिस कॉन्स्टेंट इंश्योर दैट ईच वैल्यू इन ए स्पेसिफिक कॉलम और सेट ऑफ कॉलम्स इज ए यूनिक एंड नॉट नल। इट इज ऑफ्टन यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो इन अ टेबल। ए टेबल कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की। ओके, तो इससे आप क्या समझते हो? बेसिकली जब हम एक क्वेरी लिखते हैं, अभी तो अगर रियल लाइफ एग्जांपल देखें तो रियल वर्ल्ड में क्या होता है कि जैसे कि मेरे पास एक स्टूडेंट टेबल है। तो स्टूडेंट टेबल में क्या होगा, जो उसका रोल नंबर होगा वो प्राइमरी होगा, मीन्स क्या होगा, वो यूनिक होगा, ना तो उसका कोई डुप्लीकेट होगा। और वो क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा यूनिक वाइज रोल नंबर को। तो इस टाइप से हम अरेंज कर सकते हैं। लाइक आप देखते हो अगर स्कूल में क्या होता है कि कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं, अगर उनके हम फोन नंबर आइडेंटिफाई करें, हो सकता है कि उनके पास 2 नंबर हैं, हो सकता है कि स्टूडेंट के 2 नंबर हैं। अगर हम उसको क्लास वाइज देखते हैं या किसी भी चीज से हम आइडेंटिफाई करेंगे तो वो कर पाना संभव नहीं है। तो इस वजह से हम प्राइमरी की यूज करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो रोल नंबर, रोल नंबर क्या होगा, वो डुप्लीकेट नहीं होगा, जिससे क्या होगा, हम इजिली आइडेंटिफाई करेंगे ये पर्टिकुलर रोल नंबर पर्टिकुलर स्टूडेंट का है। तो इस वजह से हम प्राइमरी कॉन्स्टेंट का यूज करते हैं। तो अगर आप देख सकते हो यहाँ पे जो इसका सिंटेक्स है, तो सिंटेक्स बेसिकली ऐसे होता है। अभी मैं आपको इसके जो भी टूल हो है उसमें करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक टेबल क्रिएट करते हैं। और टेबल हमने क्या क्रिएट किया, एम्प्लॉयज नेम का, और एम्प्लॉयज आईडी जो हो गई वो क्या हो गई, हमारी प्राइमरी की हो गई, और वो इंट होगा, इंटीजर होगा। मीन जब हम कोई भी आईडी लिखते हैं तो उसको इंटीजर वाइज हम करते हैं। अगर आप जैसे कि कैरेक्टर लिख रहे हो तो वेर कैर में आप उसको रिप्रेजेंट करोगे, अगर आप इंटीजर लिख रहे हो तो इंटीजर में करोगे, अगर आपको डेट लिखना है तो डेट आप लिखोगे। तो इस टाइप में हम यहाँ पे उसको डिफाइन कर देते हैं। फर्स्ट नेम की बात करें, यहाँ पे देख सकते हो वेर कैर 50, तो इसमें हमने कैरेक्टर है फर्स्ट नेम, अगर हम लिखते हैं सिंटेक्स में तो ये वेर कैर में आएगा। लास्ट नेम आप देख सकते हो वेर कैर है। तो इस टाइप में हम प्राइमरी कॉन्स्टेंट का यूज करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा यूनिक कॉन्स्टेंट। अगर यूनिक कॉन्स्टेंट की बात करें तो ये भी प्राइमरी की जैसा ही होता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, सिमिलर टू ए प्राइमरी की, दिस कॉन्स्टेंट इंश्योर दैट इच वैल्यू इन ए स्पेसिफिक कॉलम और सेट ऑफ कॉलम्स इज यूनिक, बट इट अलाउज नल वैल्यूज। ए टेबल कैन हैव मल्टीपल यूनिक कॉन्स्टेंट। मतलब इसमें क्या होता है कि प्राइमरी की हमने देखा था कि वो केवल एक ही हो सकता है एक टेबल में, बट इसमें क्या है, जो यूनिक होता है कॉन्स्टेंट वो हम मल्टीपल यूज कर सकते हैं एक टेबल में। तो ये इसका वो होता है। अब इसका सिंटेक्स देख सकते हो आप, हमने एक टेबल क्रिएट किया प्रोडक्ट नेम का, प्रोडक्ट आईडी जो है उसकी मैंने यूनिक एज अ कर दिया, मैंने प्रोडक्ट नेम किया है वेर कैर, नेम हमेशा जो है कैरेक्टर वाइज होता है। तो ये हो गया यूनिक कॉन्स्टेंट। फॉरेन कॉन्स्टेंट देखते हैं, यहाँ पे देखो मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, ए फॉरेन की कॉन्स्टेंट इस्टेब्लिश ए रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स, इंश्योरिंग दैट वैल्यूज इन टेबल्स कॉलम्स मैच वैल्यू इन अनदर टेबल कॉलम्स। इट इज यूज टू मेंटेन रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। तो यहाँ पे देखो क्या करता है ये, बेसिकली जब हम फॉरेन की का यूज करते हैं तो ये क्या करता है, एक टेबल को दूसरे टेबल से रिलेट करता है, मीन्स उसमें रिलेशनशिप प्रोवाइड करता है, जिससे क्या होता है, हम इंश्योर कर सकते हैं कि जो भी उसकी इंटीग्रिटी है और कंसिस्टेंसी है वो फॉरेन की हमें प्रोवाइड करती है। तो इस वजह से हम फॉरेन की का यूज करते हैं। तो यहाँ पे इसका सिंटेक्स आप देख सकते हो, टेबल हमने क्रिएट किया ऑर्डर नेम का, ऑर्डर आईडी जो होगी वो इंटीजर में होगी प्राइमरी की, ऑर्डर आईडी जो है हमेशा प्राइमरी की होगा बिकॉज उसको हमें यूनिक आइडेंटिफाई करना है। कस्टमर आईडी आप देख सकते हो इंट वाइज होगा, ऑर्डर, तो ऑर्डर डेट जो हो गया हमारा डेट में हो गया,
अब यहाँ पे देखो फॉरेन की कस्टमर आईडी, लेट्स से हमारे पास एक कस्टमर टेबल है और कस्टमर टेबल में कस्टमर आईडी है, तो कस्टमर आईडी को हम क्या करेंगे, जो ऑर्डर आईडी है हमारी उस कस्टमर आईडी को हम रेफरेंस ले लेंगे जिससे हमारा बन जाएगा फॉरेन की। तो ये क्या करेगा, हमारा इंश्योर करेगा कि जो भी हमें इंटीग्रिटी प्रोवाइड करनी है और यूनिकनेस प्रोवाइड करना है वो हम फॉरेन की हेल्प से कर सकेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट है हमारा डिफॉल्ट कॉन्स्टेंट। डिफॉल्ट कॉन्स्टेंट बेसिकली क्या होता है, दिस कॉन्स्टेंट असाइन अ डिफॉल्ट वैल्यूज टू ए कॉलम इफ नो वैल्यू इज एक्सपेक्टली प्रोवाइडेड ड्यूरिंग एन इंसर्ट ऑपरेशन। ये क्या करता है, जब हम इसको तब असाइन करते हैं जैसे कि हम कोई भी कॉलम ले रहे हैं, ठीक है, और कॉलम हम ले रहे हैं बट हमने हमने उसको डिफाइन नहीं किया, तो जब हमने डिफाइन नहीं किया तो क्या हम क्या करते हैं, इंसर्ट ऑपरेशन में हम एक डिफॉल्ट कॉन्स्टेंट प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो आप, एक हमने टेबल क्रिएट किया प्रोडक्ट नेम का, प्रोडक्ट आईडी हमने क्या कर दिया प्राइमरी की दे दिया, प्रोडक्ट नेम जो है वायर कैर में दे दिया और प्राइस डेसिमल हो गया, और डिफॉल्ट कॉन्स्टेंट हमने एक डिफाइन कर दिया 0 0 करके। तो ऐसे हम डिफॉल्ट कॉन्स्टेंट का यूज करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा नॉट नल कॉन्स्टेंट। तो ये बेसिकली क्या करता है, दिस कॉन्स्टेंट इंश्योर दैट अ कॉलम मस्ट ऑलवेज कंटेन अ नॉन नल वैल्यू। जैसे कि हमने एक टेबल क्रिएट किया कस्टमर नेम का, कस्टमर आईडी हमने दे दी इंट प्राइमरी की, और जो फर्स्ट नेम होगा हमारा वायर कैर में होगा, लास्ट नेम भी वायर कैर में होगा। अब इसको हम बेसिकली क्या करेंगे, नॉट नल एज अ दे देंगे। नॉट नल देने पे हमारा प्रॉफिट ये होगा कि जब भी हमें टेबल में हमें कुछ भी क्रिएट करना है तो कॉलम हम जब ऐसे इसको छोड़ देते हैं, लेट्स से हम भूल जाते हैं कि हमने उसको कुछ नेम नहीं दिया, तो बेसिकली वो क्या करेगा, रन नहीं करेगा जब तक कि हम उसको एज अ वैल्यू कुछ दे नहीं देते। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट नेम है, हम उसमें ए बी कुछ भी दे सकते हैं, अगर उसको हम नहीं देते तो वो क्या करेगा, रन नहीं करेगा। तो इस वजह से कॉन्स्टेंट की का यूज करते हैं हम, यहाँ पे देख सकते हो नॉट नल एज हम उसको दे देंगे। अगर आप इसको डिफाइन नहीं करते हो तो आप नल दे सकते हो, नल वैल्यू आप प्रोवाइड कर सकते हो, बट अगर आपने इसको नॉट नल प्रोवाइड कर दिया देन आप उसको नल नहीं छोड़ सकते। तो ये हमारा हो गया सारी जितने भी कॉन्स्टेंट होते हैं मेनली जो हम यूज करते हैं एसक्यूएल में। तो अब हम देखते हैं इसका प्रैक्टिकल कैसे होता है। मुझे क्या करना है, एक टेबल बनाना है। टेबल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्रिएट क्रिएट टेबल। टेबल कौन सा होगा, एम्प्लॉय नेम का होगा, एम्प्लॉय नेम का टेबल दे दिया। ओपन ब्रैकेट, न्यू लाइन पे आ गए हम, एम्प आई डी, एम्प्लॉय आई डी कैसी होगी, इंटीजर होगी क्योंकि ये नंबर्स में होते हैं 1 2 3 समथिंग, तो इसको इंटीजर में हमने दे दिया। यहाँ पे प्राइमरी की बना दिया इसको, प्राइमरी की मैंने आपको बताया था, आप पिछली वीडियो में जाके देख लेना होता क्या है बेसिकली। यहाँ पे मैंने इसको दे दिया फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम में मैंने क्या करा, वायर कैर बना दिया इसको, और मैंने यहाँ पे इसकी लेंथ दे दी 50। देन इसको मैंने बना दिया नॉट नल। नॉट नल बेसिकली क्या करेगा, इसमें हम नल वैल्यू नहीं छोड़ सकते, इसको मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में जाके देख लेना। लास्ट नेम इसको भी वायर कैर दे दिया मैंने, लेंथ 50 कर दिया मैंने, इसको भी मैंने नॉट नल बना दिया, कॉमा न्यू लाइन। अब हमने सैलरी दे दी एम्प्लॉय की, सैलरी क्या होगी, डेसिमल में होगी, आप इंटीजर में भी दे सकते हो बट मैंने डेसिमल यूज करा है। बाई चांस क्या होता है कि आपका सैलरी आ रहा है तो 32,000 समथिंग कुछ हो सकता है, पॉइंट में हो सकते हैं, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे डेसिमल दे रखा है, तो ये डेसिमल में हो गया। अब इसको क्या करेंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे। अब न्यू लाइन पे जाते हैं, यहाँ पे मैंने दे दिया मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर क्या होगा, इंटीजर में होगा, ओके कॉमा। अब एम्प्लॉय की डेट ऑफ बर्थ दे दी मैंने यहाँ पे, डेट ऑफ बर्थ किस में होगी, डेट पर, तो डेट मैंने यहाँ पे दे दिया न्यू लाइन। यहाँ पे सेमी कॉलम, ओके। तो इससे क्या होगा, ये इसका यूज हम करते हैं जब कोई भी, जैसे हम किसी भी ग्रामर में या इंग्लिश में आप देखते हो फुल स्टॉप का यूज करते हैं, वैसे इसी में कोड में क्या काम होता है इसका, फुल
फुल स्टॉप का काम करता है ये सेमी कॉलम। ओके सो मैंने यहाँ पे एक एम्प्लॉय नेम का टेबल क्रिएट कर दिया, आईडी उसको प्राइमरी की दे दी, फर्स्ट नेम क्या कह रहा मैंने उसको वेयर कर बना दिया, लेंथ 50 कर दी और उसको छोड़ दिया ऐसा नॉट नल कि इसमें हम कोई भी ब्लैंक वैल्यू नहीं छोड़ सकते। ओके सैलरी मैंने डेसिमल में दे दी 10.2, इसका लेंथ मैंने डिक्लेयर कर दिया, मोबाइल नंबर मैंने इंट में दे दिया, डेट ऑफ बर्थ क्या कर दिया मैंने डेट में दे दिया। इससे क्या होगा अब जब हमें कोई भी इंसर्ट करना होगा आईडी फर्स्ट नेम, सो उसमें जो भी मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर रखा है उसके हिसाब से होगा। अब मुझे क्या करना है बेसिकली यहाँ पे F5 प्रेस करना है। तो यहाँ पे देखो अब शो कर रहा है क्वेरी रिटर्न सक्सेसफुली, तो इससे क्या होगा हमारा एक टेबल क्रिएट हो जाएगा एम्प्लॉय नेम का। यहाँ पे देखो मैंने टेबल पे अगर क्लिक करूंगा तो आपको कुछ शो नहीं कर रहा होगा, तो जब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा, रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे आपको देखो एम्प्लॉय नेम का टेबल क्रिएट हो चुका है यहाँ पे। अब जो जो हमने यहाँ पे कॉलम दिए हैं कॉलम में यहाँ पे शो करेगा एम्प्लॉय आईडी फर्स्ट नेम लास्ट नेम सैलरी मोबाइल नंबर डेट ऑफ बर्थ। अब इसमें आपको जो भी वैल्यू इनपुट करनी है आप इसमें कर सकते हो। तो इसके लिए आपको मैंने बताया था क्रिएट का यूज हम टेबल को क्रिएट करने के लिए करते हैं या डेटाबेस, और इंसर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम अगर हमें इसमें वैल्यू इंसर्ट करनी है तो इंसर्ट यूज करेंगे हम। तो उसके लिए अभी मैं आपको आगे बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो अभी के लिए यहाँ पे समाप्त।